आसमानों को छूते ही ट्विन टावर को कल जमींदोज कर दिया गया। इसके पीछे का कारण इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया गया। लेकिन क्या आपको पता है, भले ही भारत में ऐसा पहली बार हुआ हो, लेकिन विदेशों में कई बार ऐसे टावरों को जमींदोज किया जा चुका है। आइए आपको बताते हैं ऐसे 5 टावर के बारे में जिन्हें जमींदोज किया गया। इस सूची में सबसे पहले नाम आता है एक्सा टावर का, जो कि सिंगापुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 234.7 मीटर है। इस टावर को भी गिराने का काम चल रहा है। मई 2022 से ही इसे लोगों के लिए बंद कर दिया गया। यह सिंगापुर की 16वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है 270 पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क। इसकी ऊंचाई करीब 215 मीटर थी। बाकी दूसरी खड़ी इमारतों के लिए रास्ता बनाने के कारण इस बिल्डिंग को विध्वंस कर दिया गया। इसके विध्वंस को पूरा करने में एक लंबा वक्त लगा और साल 2021 के मध्य में इसको गिराने का काम पूरा हो गया। तीसरे स्थान पर न्यूयॉर्क की ही सिंगल बिल्डिंग आती है। इसकी ऊंचाई करीब 187 मीटर थी। इस बिल्डिंग को साल 1968 में ही गिरा दिया गया। गिराने के पीछे का कारण लिबर्टी प्लाजा के लिए रास्ता बनाना था। इस बिल्डिंग में करीब 47 मंजिलें थीं। इसको ढहाने के दौरान आसपास कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। चौथे स्थान पर है सिंगापुर की CPF बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 171 मीटर थी। यह बिल्डिंग साल 1976 में बनाई गई थी, जिसे साल 2017 में जमींदोज कर दिया गया। पांचवें स्थान पर है अबू धाबी का मीना प्लाजा। इसकी ऊंचाई करीब 168.5 मीटर थी। इस बिल्डिंग को भी गिराने में महज 10 सेकंड लगे थे और यह विशाल इमारत जमींदोज हो गई। इस इमारत को साल 2020 में गिराया गया था। यह बिल्डिंग 4 टावरों और 144 मंजिलों के साथ बनाई गई थी।